और इस वक्त आपको बता दें कि वाटगंज थाने की पुलिस ने एक छिनतईबाज को कुछ ही दिनों में धर दबोचा है। दरअसल ये व्यक्ति एक महिला के गले से चेन छीनकर भाग गया था। गौर से देखिए इस शख्स को। दरअसल ये आज से 5 दिन पहले एक महिला का चेन खींचकर भाग गया था। ये तस्वीर 13 अक्टूबर की शाम की है, जहां इस शख्स ने वाटगंज थाना अंतर्गत 11B गोपाल घोष लेन के पास से गुजर रही ताप्ती मुखर्जी नाम की महिला के गले से एक सोने का चेन खींचकर भाग गया था। हालांकि घटना के समय आसपास काफी लोग मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ समझ पाता और कुछ कर पाता कि आरोपी उससे पहले हार छीन कर 9-11 हो गया। मामले की जानकारी वाटगंज थाने के OC आयान भौमिक को दी गई, जिसके बाद उन्होंने सब इंस्पेक्टर पिनाकी देश सरकार और कांस्टेबल अरिंदम चक्रवर्ती समेत एक टीम का गठन किया। गठित टीम ने इलाके के CCTV फुटेज खंगालने के बाद तस्वीरों में दिख रहे 30 वर्षीय मोहम्मद वसीम को केंद्र कर पीड़िता ताप्सी मुखर्जी को दिखाया। ताप्ती मुखर्जी ने आरोपी वसीम को पहचान लिया और पुष्टि कर दी, जिसके बाद वाटगंज थाने की पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए जाल बिछाया और आखिरकार वाटगंज थाना अंतर्गत कवि तीर्थ सारणी से 30 वर्षीय मोहम्मद वसीम को धर दबोचा। साथ ही महिला का छीना हुआ गले का हार भी बरामद कर लिया और वसीम को धारा 379 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपनी चेन वापस पाकर ताप्ती मुखर्जी काफी खुश हुई और उन्होंने वाटगंज थाने की पुलिस को धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज़ टेक इंडिया।